हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आप देख सकते हैं इस समय मेरे रेड लिली में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो आज मैं आपको इसकी फ्लावरिंग शो कर रही हूँ। तो वाइट की भी आप फ्लावरिंग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से वाइट खिले हुए हैं। तो ढेर सारी ब्लूमिंग के साथ हैं ये। और इधर आप देख सकते हैं येलो में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रखी है। तो ऐसे ही खूब फ्लावरिंग करती रहती है। और अक्सर व्यूअर्स कहते हैं कि उनके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आ रही है, तो आप फर्टिलाइज़र इनको मंथली देते रहिए। तो फर्टिलाइज़र और रेन वाटर का कॉम्बिनेशन बनता है, तभी ये बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। और आपने देखे ही होंगे कि मेरे हमेशा प्लांट में ब्लूमिंग बनी रहती है, तो मैं फर्टिलाइज़र इनको मंथली देती रहती हूँ। और प्लस जो बारिश हो रही है इस समय, तो वो इनको और अच्छे से ब्लूमिंग इनक्रीज़ कर रही है इसके अंदर। तो फर्टिलाइज़र देना बनता है, क्योंकि बहुत सारे बल्ब होते हैं, और अगर अच्छे से आप इनको फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो बहुत सारे बल्ब को अच्छे से खाना मिल पाएगा, तभी अच्छे से वो फ्लावरिंग कर पाएंगे। तो रेन लिली की ब्लूमिंग अगर आपको मेंटेन करनी है, तो फर्टिलाइज़र आप मंथली इनको देते रहिए, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। या मैं तो मस्टर्ड केक का देती हूँ, आप इन्हें मस्टर्ड केक के अलावा कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर मस्टर्ड केक हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर केमिकल में यूज़ करना चाहते हैं तो NPK भी आप इनको दे सकते हैं, उससे ब्लूमिंग बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगी। तो पिंक शेड के भी आप फ्लावर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे से खिले हुए हैं लिली में। तो आज इसने 4, 5, 6 फ्लावर खिले हुए हैं। तो इसकी भी आप ब्लूमिंग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है। इससे पहले भी मैंने इसकी ब्लूमिंग शेयर करी थी, और आज भी आप देख सकते हैं बहुत ढेर सारे फ्लावर हैं। और वाइट वाले में कभी सीड नहीं बनते हैं, तो हमेशा येलो में ही सीड बनते हैं। तो एक लास्ट का व्यू खूबसूरत सी रेन लिली के फ्लावर का। तो बहुत ही प्यारे फ्लावर लगते हैं रेन लिली के जब भी खिले होते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।